इशारे। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत बार पूछा है कि भाई तुम VFX वीडियो क्यों नहीं ला रहा है। तो गाइस मैं इसका रीजन बता देता हूँ कि मैं कुछ दिनों से दोस्तों TikTok के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा था। आपने अगर दोस्तों उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप फ्रेंड्स मेरा चैनल ओपन करके उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स TikTok में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है उसी के ऊपर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो देखने को मिलेगा। फाइनली गाइस मैं आज एक वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूँ जो ये TikTok में ये भी ट्रेंड चल रहा है सॉन्ग तो वाह ये इशारे तुम्हारे। तो गाइस आपको ये वाला गाने का अगर VFX वीडियो बनाना है तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। गाइस आज के इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका से इस तरह का आपको वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर गाइस आप मुझे भगते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पर ही आप पहली बार आए हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 5-7 सेकंड का कुछ इस तरह से आपको वीडियो को शूट कर लेना होगा। जिस तरह दोस्तों मैं एक्टिंग करके वीडियो को शूट करवा रहा हूँ अपने एक्टर से, आप भी फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन के काइनमास्टर को ओपन करना होगा। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइनमास्टर को ओपन कीजिए, मैं फ्रेंड्स वहां पर जाके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइनमास्टर है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको बीच में जो नियुक्ति फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको TikTok बनाने का एस्पेक्ट रेशियो है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइनमास्टर का आपको ओपन कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको जो राइट साइड में ये मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो अपने मोबाइल या DSLR से आप वीडियो को शूट किए थे उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ फाइल है उसको मैं सिलेक्शन कर चुका हूँ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइस आप उसमें क्लिक करेंगे आपको राइट साइड में कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों देख सकते हैं, और इसी ऑप्शन का गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कलर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कलर फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको कलर फिल्टर सिलेक्शन करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो ये रेड और ब्लू कलर दिख रहा होगा आपको उसी के ऊपर फ्रेंड्स आपको ये ग्रीन कलर का फिल्टर भी दिखेगा। आपको गाइस इस वाले ग्रीन कलर के फिल्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपका वीडियो जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसी वाले ग्रीन कलर के फिल्टर के ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप दूसरे वाले फिल्टर पर आप सिलेक्शन करते हैं तो आपका वीडियो जो है दोस्तों VFX जैसा नहीं बनेगा। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसी वाले ग्रीन कलर के फिल्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओके करके बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फिर से आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। इसमें फ्रेंड्स आपको राइट साइड में सेम ऑप्शन दिखेंगे और इसी ऑप्शन का अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करते हैं तो फ्रेंड्स आपको कलर फिल्टर के जस्ट नीचे आपको एक कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कलर एडजस्टमेंट में क्लिक कर लेना होगा। और यहाँ पर गाइस जो आपको काम करना है वो है आपको थर्ड ऑप्शन का कुछ इस तरह से आपको नीचे करना होगा कुछ इस तरह से, और सेकंड वाले ऑप्शन का गाइस कुछ इस तरह से आपको ऊपर करना होगा। और दोस्तों जो मेन है आपका फर्स्ट ऑप्शन ब्राइटनेस का, उसको आप अपना वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। जिस तरह से दोस्तों मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका बैकग्राउंड दोस्तों कुछ इस तरह से आपका ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स आपका बॉडी और कुछ एक्स्ट्रा जो पार्ट रहेगा फ्रेंड्स आपके वीडियो का कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का होना चाहिए। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओके करके बाहर आ जाना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट स्टेप काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी आपको लेफ्ट साइड में इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके अपना फाइल का आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में भी दोस्तों आपको इसी वाले नियुक्ति फाइल में क्लिक करके गाइस यहाँ पर भी आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइनमास्टर का आपको ओपन कर लेना होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर गाइस उस वीडियो का लिंक दे रखा है जो मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो गाइस आप मेरे इस वाले TikTok ID से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो TikTok ID है दोस्तों वो आपके डिस्प्ले में भी फ्लैश हो रहा है। मैं फ्रेंड्स जो आपको राइट साइड में मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया पर क्लिक करके दोस्तों उस वीडियो को फाइल को सिलेक्शन करूँगा।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर चुका हूँ। अब फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस जो आपको राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के पांच ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इस वाले मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो फाइल आपने अभी अभी आप एक्सपोर्ट किए हो उस वाले फाइल को आपको सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल है उसको मैं सिलेक्शन कर चुका हूँ। अब फ्रेंड्स आपको नीचे में यहाँ पर एक एरो टाइप का दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस एरो में फ्रेंड्स आपको पकड़ के कुछ इस तरह से आपको अपना वीडियो को एडजस्ट करना होगा। जिस तरह से दोस्तों मैं अपने वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी दोस्तों अपने वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन का गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले क्रोमाकी में क्लिक करके दोस्तों आपको फ्रेंड्स इसको इनेबल कर देना होगा। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से ओके करके बाहर जाना है। अब अगर गाइस अपना वीडियो को अगर प्ले करके देखिएगा तो आपका वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से मैच कर चुका होगा, क्योंकि गाइस इसका जो बैकग्राउंड वीडियो है मैंने इसी वीडियो के आधार पर बनाया है। और फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में आपको ये शेयर का ऑप्शन दिख ही रहा होगा देख सकते हैं, इसी शेयर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर गाइस आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे या पहली बार आए हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।